हेलो दोस्तों, नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे किचन गार्डन में किन हर्बल प्लांट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। इनको हम चाहे तो ज़मीन में, चाहे गमलों में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, ये है गुड़हल। गुड़हल का प्रयोग हम मेहंदी मेज के फूलों का प्रयोग करते हैं, इसको अच्छा कलर देने के लिए, और पूजा में इसके फूलों का प्रयोग होता है। और दूसरा है दोस्तों नीम। नीम के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। नीम की निमोलियों से हम नीम अपने पौधों के लिए पेस्टिसाइड का तैयार कर सकते हैं, और इसके पत्तों को, अगर हमें एलर्जी हो तो इसके पत्तों का प्रयोग हम पानी में उबालकर भी करते हैं, और इसकी छाल को हम, जब हमारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो इसके छाल को रगड़कर फोड़े फुंसी पर लगाया जाए तो ये ठंडक और आराम देने का भी काम करती हैं। तो नीम के हर अंग का यूज़ होता है, इसके फूलों का, पत्तों का, और इसके टहनी का, सब का प्रयोग इसका किया जाता है। और यह है सदाबहार। सदाबहार के फूलों का प्रयोग हम डायबिटीज में करते हैं। इसके फूल बहुत ही कड़वे होते हैं, जो डायबिटिक लोग होते हैं इसके फूलों को पीसकर इसका रस का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, ये है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा हमारी किडनी की पथरी को निकालने में बहुत सहायक है। सुबह उठकर खाली पेट अगर इसके पत्तों को खाया जाए तो ये हमारे पेट के लिए और हमारी किडनी की सफाई के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसका खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद आप देखना, ये है पपीता। पपीते का आपको पता होगा कि जब हमारे डेंगू हो जाता है, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसके पत्तों को उबालकर उसका पानी पिलाया जाता है, जो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा है ये गिलोय। गिलोय के बारे में, इसके गुण बताने में सबको पता होगा, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग हम प्लेटलेट्स बढ़ाने में, मोटापा कम करने में, इसका काढ़ा तैयार किया जाता है और इसके काढ़े को पिया जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियों में गिलोय का प्रयोग हम करते हैं। देखो दोस्तों, ये है मरवा। इसमें एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, और इसकी हम चटनी बनाकर खाते हैं, जो हमारे पेट के कीड़े को मारता है, और ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे है दोस्तों ये मेहंदी। मेहंदी को मैं झांग चुकी हूँ। इसके जो पत्ते हैं मैंने उनको पीसकर हिना पाउडर बना लिया है, और मेहंदी को हम गर्मी में बहुत यूज करते हैं। अगर हमारे पैरों में छाले पड़ जाएं या उंगलियों के बीच में सड़न हो जाए तो हम इसके पत्तों को उबालकर उसको, उस पानी से हम अपने पैरों को धोएं तो इससे हमारे पैरों में आराम मिलता है, और इसके पत्तों का पाउडर बनाकर अपने पैरों के तली में लगाया जाए तो गर्मी में हमें ठंडक का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के पत्तों में लेमन की जैसी खुशबू आती है। इसके पत्तों का प्रयोग हम खांसी, जुखाम और एसिडिटी में चाय में इसके दो पत्ते डाल लें, इसमें खुशबू भी होती है और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी होता है। और इसके ही पत्ते को हम अदरक और लेमन ग्रास को पकाकर पिए तो ये ग्रीन टी का भी काम करती है। लेमन ग्रास एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारे खून को साफ करता है, आयरन का एक अच्छा स्रोत है, और हमें लेमन ग्रास को अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। इसको गमले में भी हम अच्छी तरह से उगा सकते हैं, इसको उगाना बहुत ही आसान है।
आगे है दोस्तों, ये है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता या फिर हम इसको मीठा नीम भी कहते हैं। कड़ी पत्ते का प्रयोग हम अपने सब्जी दाल में, इसका प्रयोग हम एज ए मसाले के रूप में करते हैं, लेकिन इसका औषधीय प्रयोग भी है। इसको एंटीबायोटिक, इसका प्रयोग आयरन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है और बालों के लिए यह बहुत ही लाभदायक है, और मधुमेह के जो पेशेंट हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं। वैसे तो खाने में तो ये दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, हमारे उत्तर भारत में इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। ये है दोस्तों गुलाब, गुलाब देसी गुलाब होना चाहिए। इस देसी गुलाब से हम गुलकंद, गुलाब जल तैयार करते हैं, और पूजा में भी देसी गुलाब का बहुत ही महत्व है। देसी गुलाब का हमें प्रयोग करना चाहिए और इसको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। फिर आगे दोस्तों यह पुदीना, पुदीने के बारे में बताना बहुत ही, क्योंकि इसके बारे में सबको ही पता होता है कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। इसका प्रयोग हम चटनी के रूप में, अच्छा स्वादिष्ट होता है ये, उसके साथ साथ ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और ये गर्मी में दही में, लस्सी में, छाछ में, चटनी में, पराठे में, आप इसको पकौड़ियों में, आप किसी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखो दोस्तों ये है अजवाइन, अजवाइन ये बारीक दाने होते हैं उसकी, वो अजवाइन नहीं होती, ये एक सकलेंट होता है, और इसके पत्तों में अजवाइन जैसी खुशबू आती है। अगर हम इसके पत्ते तोड़ें और पत्तों को तोड़ कर रगड़ें तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू अजवाइन जैसी आती है। इसको हम एज ए ग्रीनरी के लिए भी अपने हैंगिंग में, अपने गमलों में लगाते हैं। उसके साथ साथ इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग ये है कि इसको हम चटनी के रूप में, इसकी चटनी बनाकर खा सकते हैं, और ये हमारे लिए पेट के दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए, गैस के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसका हम प्रयोग चटनी के रूप में करते हैं, और ये मैंने इस पॉलिथीन में से लगाई है ताकि मैं अपने दोस्तों को इसको एज ए गिफ्ट दे सकूं। देखो दोस्तों ये है एलोवेरा घृत कुमारी, ये एक चिरपरिचित पौधा है, इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं, इसके गुणों और अवगुणों का सबको पता है, इसमें गुण ही गुण है, अवगुण तो इसमें है ही नहीं। इसका प्रयोग हम अपने फेस के लिए कर सकते हैं, अगर हमारे फेस पर डार्क स्पॉट्स या कोई निशान है तो उसको ठीक करने के लिए हम इसके पल्प का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसका पत्ता है, इसको पत्ते को तोड़कर हम थोड़ी देर के लिए हमें इसे उल्टा रख देना चाहिए, और इसके अंदर से एक पीले रंग का एलर्जिक जो पदार्थ होता है वो निकल जाए तब हमें इसके पल्प का प्रयोग करना चाहिए। इसके पल्प को हम खा भी सकते हैं हलवा बनाकर, या फिर चटनी बनाकर, या फिर नमक मिर्च डालकर इसके पल्प का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑर्थराइटिस में भी बहुत ही लाभदायक है, और इसके पत्तों को काटकर जो अंदर का पल्प है हम इसको हाथों पर, पैरों पर और अपने चेहरे पर रगड़ सकते हैं, और ये एक फेशियल का काम करता है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ हर्बल प्लांट, जिनको कि आपको भी अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए, इनको हम आसानी से गमलों में भी लगा सकते हैं, और इस बारिश के मौसम में इनको उगाना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और अपने घर में पौधे पेड़ जरूर उगाइए।